हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये मेरा जनरल नॉलेज का पार्ट 3 है, असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2021 के लिए। यह आपके लिए आज का बेस्ट एनालाइज्ड क्वेश्चंस रहेगा, 25 बेस्ट एनालाइज्ड क्वेश्चंस जो मैं बहुत दिन से एनालाइज कर रहा हूँ। और ये सिर्फ आपके लिए, असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं, बट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आप जरूर मेरे चैनल में जितने भी वीडियो है सबको फॉलो कीजिए, प्रीवियस वीडियोस को भी। मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। द पर्सन हु हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट 17 टाइम्स इज, सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा है, किस पर्सन ने सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है 17 टाइम्स। फर्स्ट ऑप्शन इज बाबू चेरी, सेकेंड इज आपा सरपा, थर्ड इज पीटर हिलेरी एंड फोर्थ इज TW टेंजिंग। तो जो हमारे माउंट एवरेस्ट के उधर जो जाति के लोग रहते हैं उन्हें हम लोग शेरपा शेरपा कह के बुलाते हैं, और उनका नाम है आपा शेरपा। तो आपको ध्यान रखना है, इस नाम से याद रखना है, शेरपा नाम से, कि वहां जो जाति के लोग रहते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है जो क्लाइम करते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो सबसे ज्यादा टाइम्स 17 टाइम्स आपा शेरपा ने क्लाइम किया है, आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे इंडिया के। तो पहला ऑप्शन है के मुंशी, सेकेंड इज CD देशमुख, थर्ड इज GV मावलंकर एंड फोर्थ इज HJ कनाई कनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GV मावलंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन में ये फर्स्ट वर्ड आता है, फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट CM, फर्स्ट एनीथिंग, वो क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा GV मावलंकर। नंबर 3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा वो कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, सेकेंड इज न्यू दिल्ली, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ इज चेन्नई। इसका सही आंसर होगा मुंबई, आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। जनगणमन वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस साल में जनगणमन को हमने नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था, 1950, 1949, 1948 और 1947। तो इसका सही आंसर होगा 1950। कभी कभी ईयर पूछता है, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1950 को कितने तारीख को, तो 24 जैन को हमने क्या किया था, जनगणमन को नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था। आपको ध्यान रखना है, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। 1950 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड एट, ये सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका वो पेपर को या कोई भी रिसर्च वर्क को पेटेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, सेकेंड इज चेन्नई, थर्ड इज हैदराबाद एंड फोर्थ इज कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा चेन्नई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। December 1 इज सेलिब्रेटेड एज द डेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, December 1 को क्या चीज मनाया जाता है, December 1 को किस चीज को मनाया जाता है। तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ डे, सेकेंड इज वर्ल्ड एड्स डे, थर्ड इज ह्यूमन राइट्स डे और फोर्थ इज वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। रामायणा इज द फेमस वर्क ऑफ, रामायणा किसका वर्क है। पहला है वानरभट्टा, सेकंड इज लॉर्ड ब्रह्मा, थर्ड इज वाल्मीकि और फोर्थ इज कालिदास। आपको पता होना चाहिए जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि रामायण जो है वो फेमस वर्क है वाल्मीकि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर यू वुड एसोसिएट विद इंडियन फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ईयर को आप एसोसिएट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के लिए, या इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका सीधा सीधा मतलब है। तो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 को इस्टेब्लिश हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही आंसर होगा। और कभी कभी आपको डेट भी पूछा जाता है, तो डेट भी आपको याद रखना है, इसका सही डेट होगा 28 ऑफ दिसंबर, आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा 28 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द फर्स्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म वॉज प्रोड्यूस बाय, पहला इंडियन एनिमेशन फिल्म जो था वो किसने प्रोड्यूस किया था, एच एस भतवाडेकर, या सेकेंड दादा साहेब फाल्के, थर्ड इज हीरा लाल सेन, और फोर्थ इज जे एफ मदान, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा दादा साहेब फाल्के, ठीक है। दादा साहेब फाल्के ने क्या किया था, सबसे पहला फर्स्ट एनिमेशन फिल्म प्रोड्यूस किया था, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, मेघदूत जो किताब थी उसके ऑथर कौन थे। तो पहला ऑप्शन है बाणभट्टा, सेकेंड इज कल्हाना, थर्ड इज कालिदास, एंड फोर्थ इज तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा कालिदास, कालिदास जो थे वो आपके मेघदूत के ऑथर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के जितने भी किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बुक करा रहा हूँ आपको, आपको बस रिकॉल करते रहना है और दिमाग में रखना है आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका एस्टैब्लिश हुआ था या एग्जिस्टेंस में आया था। नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल इन इंक्लूजन ऑफ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ये तीन लैंग्वेज को कब मान्यता मिली थी, या कब इन्हें 8th शेड्यूल के एक्ट के तहत, अमेंडमेंट के तहत इन्हें मतलब लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला ऑप्शन है 68th अमेंडमेंट, सेकेंड इज 70th अमेंडमेंट, थर्ड इज 71st अमेंडमेंट, एंड फोर्थ इज 76th अमेंडमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13, स्कॉट मॉरिसन हैज बीन स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, स्कॉट मॉरिसन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको पता करना है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, सेकेंड इज जर्मनी, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ इज मलेशिया। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, आपको ध्यान देना है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत क्वेश्चन आता है और ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया आपके लिए, और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु रिसीव चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड, ठीक है, फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किसे चैंपियन ऑफ एम्पैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दूरदर्शन, सेकेंड इज एनडीटीवी, थर्ड इज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, एंड फोर्थ इज स्टार प्लस। तो दूरदर्शन को आपका हेपेटाइटिस के अवेयरनेस के लिए एम्पैथी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक कौन सा है साउथ इंडिया का। पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, सेकेंड इज डोडा बेटा पीक, एंड थर्ड इज नीलगिरी हिल्स, एंड डी इज एनआई मूडी, ठीक है। तो जो डोडा बेटा पीक है वो जो आपका है वो आपका साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है डोडा बेटा पीक, आपको ध्यान रखना है, इसे डोडा बेटा पीक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 16, सोर टेम्पल इज लोकेटेड एट, सोर टेम्पल जो है वो कहाँ लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है, टेम्पल से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है, जो आपको बेस्ट क्वेश्चन में एनालाइज करके ला रहा हूँ उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है केलिकट, सेकेंड इज सनापुर,
एंड थर्ड इज पटना एंड फोर्थ इज महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम। सौर टेम्पल आपका महाबलीपुरम में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 नेशनल पार्क का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, पहला ऑप्शन है बिहार, सेकेंड इज अलाहाबाद, थर्ड इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ इज गुजरात। नाम याद करने के लिए जी से आप याद कर सकते हैं, गिर नेशनल पार्क भी जी से है और आपका गुजरात भी जी से है, यही इसका सही आंसर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ गांधी जी वाज स्टार्टेड इट, सबसे पहले सत्याग्रह कैंपेन कहाँ से शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। तो पहला है बारदोली, दूसरा है डांडी जहां से डांडी मार्च हुआ था, थर्ड इज चंपारण जहाँ पे इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़े थे, और लास्ट डी ऑप्शन बारोदा। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण, चंपारण से इन्होंने अपना सत्याग्रह का कैंपेनिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट 2022 नेशनल गेम्स। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टेट जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। 22 में 2022 में नेशनल गेम्स कहाँ होगा, तो उत्तराखंड, केरला, सिक्किम और मेघालय। मैंने आपको बता ही दिया वो नॉर्थ का स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो वो आंसर होगा आपका मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 20, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कंप्यूटर का प्रोसेसर किससे बना है। तो सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिगबॉय रिफाइनरी वॉज सेट अप एट डिगबॉय बाय असम ऑयल कंपनी लिमिटेड इन द ईयर। डिगबॉय जो रिफाइनरी है वो सेटअप डिगबॉय में असम ऑयल कंपनी ने कब किया था। तो 1895, 1905, 1901 या 1857। तो इसका सही आंसर होगा 1901। असम असम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डिगबॉय रिफाइनरी के बारे में सबको पता होना चाहिए कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला दुनिया का रिफाइनरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम, लेशन डक, पिंग हेडेड डक, व्हाइट विंग्ड वुड डक या स्पेरो। ठीक है, तो स्टेट बर्ड जो असम का है, असम का स्टेट बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि ये हमारा व्हाइट विंग्ड वुड डक होता है, ये हमारा असम का स्टेट बर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता दिया था, ब्रिक्स होगा इसका आंसर। ठीक है, ब्रिक्स का आंसर मैंने आपको बता दिया था बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील या बहरीन के लिए। तो इसका सही आंसर था ब्राजील, और मैंने आपको सबका फुल फॉर्म भी नीचे बताया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन ये भी मैंने आपको कराया, इंडिया इंडिया के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आज का 25 बेस्ट एनालाइज क्वेश्चन आपके सामने खत्म किया। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी खामी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ असम एग्रीकल्चर के लिए नहीं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है आपका। और इन क्वेश्चन को देखते रहिए, एनालाइज कीजिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रहिए क्योंकि कोरोना का बहुत टफ टाइम है अभी, और पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम जरूर होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन लापरवाही करना बहुत बाद में भारी पड़ सकता है हमें, इसीलिए अभी से पढ़ाई करते रहिए, हर दिन मेरे क्लास देखते रहिए, इतना ही इनफ है जीके जीएस के लिए। और थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं, बाय बाय।